हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हो जिस पर पत्तों से ज़्यादा फूल आते हैं और फूल इसके गुच्छों में आते हैं। टेक्सस सेज बोलते हैं इसको, टेक्सस रेंजर भी बोलते हैं एंड इसको ल्यूकोफिलम फ्रूट सेकंड्स भी बोलते हैं प्लांट को। टेक्सस सेज वैसे इसका नेम प्लांट होता है जिससे ये नर्सरी में आपको इजी मिल जाता है। वैसे इसके बहुत सारे नेम होते हैं। ये प्लांट जितना देखने में सुंदर होता है उतना ही इसके ये डेकोरेट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ये वाइट वाइट होती हैं, वेलवेट की तरह दिखती हैं, और जो कि ऐसे लगता है रखा हुआ ये प्लांट जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट रखा होता है। सो इस प्लांट की आपको केयर कैसे करनी है, कौन सी आपको इसमें खाद डालनी है, और सर्दियों में किस तरीके से आप इसे नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करके रख सकते हो ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो, बताऊंगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो टेक्सस सेज जो प्लांट होता है इसकी हाइट करीब 5 से 6 फीट तक हो जाती है। अगर हमारा ये प्लांट गमले में है तो मीडियम रहती है, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हो तो इसकी हाइट बहुत बड़ी, जैसे नीम का प्लांट होता है और जैसे ज़मीन में लगाकर काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये प्लांट भी हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए सर्दियों में क्या होता है, इस प्लांट पर फंगस लगने लग जाती है ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर की जब फंगस हमारे प्लांट पर एक बार लग जाती है तो प्लांट को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए सबसे पहला उपाय क्या करना है, जिस जगह पर फंगस लगी होगी, मिलीबग्स ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, तो वहीं उसी जगह से हमें इस प्लांट को कट कर देना है। टिप से कट कर दीजिए। वैसे भी सर्दी में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, इस टाइम पर ये ग्रोथ नहीं करता है। इस अभी तक भी मेरे प्लांट पर फूल आए हुए हैं, तो देखिए जहाँ पर इस पर ब्लैक कलर की फंगस लगी हुई थी मैंने इसको हल्का हल्का कट कर दिया है। कट करने के बाद हमें नीम ऑयल लेना है, गुनगुने पानी में तैयार करना है और अपने प्लांट पर अच्छे से बिल्कुल स्प्रे कर देना है। मैंने उसका भी क्लिप बनाया था लेकिन पता नहीं मेरे बच्चों ने कैसे डिलीट कर दिया, स्किप हो गया। तो नीम ऑयल मैंने इसके बाद इस पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दिया था। नीम ऑयल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उससे कोई कीड़ा नहीं लगता है, फंगस नहीं लगती है, प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सो टेक्सस सेज जो प्लांट है ये आपको फरवरी से नवंबर दिसंबर तक फूल देता है प्लांट, और जनवरी में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, दिसंबर जनवरी में, उस टाइम पर इसके पत्ते पीले होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे प्लांट को पिंचिंग कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रून मत करिए, सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर के सभी टिप्स से इसको कट कर दीजिए ताकि मार्च में तब ये अपनी गर्मी में ग्रोथ पर शुरू होगा तो आपके प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और बहुत ही सारे उस पर फूल भी आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसे पूरा दिन की धूप में रखना है और रोज़ इसमें पानी डालना है, तब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर की साइड से सूख चुकी है आप इसमें पानी डाल दीजिए। अगर इसमें हर वक्त नमी बनी रहती है तो इसकी जड़ें ख़राब होने लग जाती हैं, इसलिए आपको इसमें पानी चेक करके डालना है, रोज़ डाल दीजिए अच्छे से स्प्रे करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखिए गर्मी में इस प्लांट में जो खाद डालते हैं, DAP हो गया, NPK हो गया, या फिर सीविड फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि सीविड फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फूल लेने के लिए प्लांट पर बहुत हेल्प करते हैं। गर्मी में हमें इसमें अच्छी खाद डालनी है। अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर में हमें इसमें खाद डाल देनी है,
अभी जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, अच्छे से एक लेयर बना दीजिए। उसके बाद आपको इसमें कम से कम 3 मंथ तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी में जब हम अपने प्लांट में खाद डालते हैं तो वो वर्क करने की बजाय प्लांट की जड़ों में पड़ा पड़ा उससे फंगस भी लग जाती है। इसलिए हमारे गर्मी के प्लांट सर्दियों में ज़्यादातर से मरने लग जाते हैं। तो गर्मी वाले जो फूलों वाले प्लांट होते हैं उन्हें सिर्फ आप पानी डालिए, अच्छी धूप दीजिए, गुड़ाई करिए, उनमें खाद कम डालिए। लिक्विड खाद जैसे हम बनाते हैं उसको आप डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद मत डालिए, क्योंकि खाद भी तभी वर्क करती है तब प्लांट फूल देता है और ग्रोथ अच्छी अपनी बनाता है, तो तभी उसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। जिस टाइम पर आपका प्लांट डोरमेंसी पर है, सोया हुआ है, उस टाइम उसमें खाद डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए आपको मिट्टी कैसी तैयार करनी है, जब आप इसको नर्सरी से लेकर आओगे, ये प्लांट आपको 40 से 50 रुपीज़ का इजी नर्सरी में मिल जाता है। इसके लिए आप 10 से 12 इंच का पोट लीजिए, जितना बड़ा पोट होगा उतनी ही उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट भी आपका ग्रोथ अच्छी करेगा और बड़ा होगा। तो 10 से 12 इंच का पोट इसके लिए काफ़ी रहता है। उसके बाद आपको इसमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है, 1 पार्ट आपको मिट्टी लेना है, 1 पार्ट आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, दोनों चीज़ में से एक ले लीजिए। आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। इसकी मिट्टी में आप थोड़ा सा रेत भी ऐड करिए, क्योंकि इसमें वेल ड्रेन मिट्टी रहती है तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो देखिए, जैसे बरसात का मौसम होता है अगस्त सितंबर में, तो उस टाइम पर आप इसे कटिंग से अपने घर पर इजी तैयार कर सकते हो, या फिर एयर लेयरिंग से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। कटिंग आपको एक पेंसिल शेप की लेनी है, जैसे पेंसिल रहती है इसी तरीके की एक कटिंग ले लीजिए, और उस कटिंग को 15 से 20 दिन पानी में रखिए, और जैसे ही आपको लगेगा कि पानी कटिंग में से जड़ें निकलना शुरू हो गई है, तो आपको मिट्टी लेनी है और वर्मी कंपोस्ट लेना है, और उस कटिंग को आपको पानी से मिट्टी में लगा देना है। बस पानी को आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद बदलते रहना है, ताकि कटिंग आपकी अच्छे से ग्रो हो जाए। जितना साफ पानी रहता है उतनी ही अच्छे से कटिंग ग्रो होती है, क्योंकि पानी में ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह होते रहते हैं, तो उससे फंगस लगने के चांस रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस प्लांट में जैसे ही अपने छत पर या फिर कहीं पर रखोगे, तो इसके आसपास मधुमक्खियां, बटरफ्लाई बहुत आते हैं। सो इस प्लांट में देखिए कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्लांट मधुमक्खियों को, तितलियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने गार्डन में तितलियों को, मधुमक्खियों को देखना चाहते हो, तो इस प्लांट को भी लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत प्लांट ये लगता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।